जय गौ माता मित्रों, मैं वैसा गिर गए गौशाला, पुनः एक बार दर्शन गौ माता के। आज एक बहुत ही शानदार गौ माता को आनंद मिलने वाली बात और सभी गौ भक्तों को भी आनंद मिलने वाली बात आपको बताने जा रहा हूँ। मन में कभी कभी ऐसा हमारी जो सुख साहिबी होती है उससे संदर्भ में कुछ बातें याद आती है, कुछ सोचना हो जाता है कभी कभी कि हम लोग जब सोते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे गद्दे, अच्छा बेड शीट उसके अंदर हम लोग सोते हैं, तो कभी कभी सोचना हो जाता है कि गौ माता के लिए ऐसा कुछ भी ना हो क्या। तो वही गोबर के ऊपर बैठना हो जाता है, कीचड़ में बैठना होता है, और कीचड़ तो होता ही है क्योंकि उनको अलग से कहीं सन्नास बाथरूम जाना ये कोई ज़रूरी नहीं है, और वही उसी जगह पे सब कुछ होता है, तो गंदगी का बहुत उपद्रव रहता है। तो कभी ऐसा मन में विचार था कि गौ माता के बैठने के लिए कुछ गद्दे नहीं होते क्या। तो आज उस बात को आपको बताने जा रहे हैं। अभी ये गौ माता को बैठने के लिए गद्दे आ गए हैं, पुनः एक बार नए गद्दे लेके आए जो जय किसान करके ब्रांड है गौ माता को बैठने के लिए, और पूरा हरियाणा से मंगवाया है इनको बैठने की व्यवस्था के लिए। भाई ज़रा लगा दीजिए गौ माता के ये गद्दे, अब इसके ऊपर बैठेगी तो बहुत कुछ फ़ायदा है गौ माता को, जैसे कि खास करके गंदगी से बहुत बचाव हो सकता है। गंदगी के कारण जो मक्खी मच्छर का उपद्रव होता है उससे भी गौ माता बच सकती है, मतलब चिड़चिड़ापन भी उनसे बच सकते हैं, गंदगी से बच सकते हैं। दूसरा जो इनके घुटन होते हैं, घुटन पैरों के घुटन होते हैं,